बड़ी खबर का रुख करते हैं। मिल्क कंटेनर से प्रदेश में शराब की अवैध आवक, कोटा जिले में आबकारी विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊंडवा चेक पॉइंट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम टीम ने दिया। नाकेबंदी थी और नाकेबंदी के दौरान मिल्क कंटेनर को पकड़ा। जब मिल्क कंटेनर से चेकिंग उसमें की गई तो बरामद की गई 600 पेटी अंग्रेजी शराब, पंजाब में बिक्री योग्य शराब ये बरामद की गई है। और संभवतः सामने आया ऐसा अपने आप में पहला मामला जिसमें मिल्क कंटेनर के भीतर शराब की पेटियां छिपा कर लाई गई। हालांकि पहले से सख्त निर्देश हैं, सीमाओं की लगातार चौकसी की जा रही है, लगातार राउंड द क्लॉक वहां पर ड्यूटी दी जा रही है। और ऐसे में एक जब मिल्क कंटेनर वहां से गुजर रहा था उसको भी रुकवाया गया, चेकिंग की गई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। मिल्क कंटेनर की आड़ में 600 पेटी शराब ले जाई जा रही थी एक बड़ी खेप, तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा जिले में आबकारी विभाग और पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊंडवा चेक पॉइंट पर ये बड़ी कार्रवाई हुई। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, वाकई में बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई बता रही है कि कितनी ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है सीमाओं पर। कोटा जिले में आबकारी विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई की पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे अभिषेक। इस तरह से विधानसभा चुनाव की दस्तक हो गई है तो उसके बाद भी जो है प्रदेश में बाहर से, बाहरी राज्यों से जो शराब की अवैध आवक बढ़ गई है, इसी के मद्देनजर जो है चेक पोस्ट पे निगरानी बढ़ाई गई है, नाकाबंदी की गई थी। उस दौरान ये जो एक ट्रक में कंटेनर रखा होता मिल्क कंटेनर, उस मिल्क कंटेनर में ये 600 पेटी लिकर थी जो कि अंग्रेजी शराब विस्की थी जो इसमें भरी हुई थी। और नाकाबंदी के दौरान इसको पकड़ा, ये कोटा में जो है पुलिस जो है रामगंज थाना जो पुलिस है और जो झालावाड़ की पुलिस है और आबकारी विभाग का दस्ता, इनकी ये संयुक्त कार्रवाई थी। और जो ड्राइवर है उसको भी पकड़ा गया और उसके बयान वगैरह लिए जा रहे हैं। और ये इसमें जो शराब बरामद की गई है वो उस पर लिखा था वो पंजाब में बिकने वाली शराब थी जिसको यहाँ पर लाया गया था। और ये जो एक बड़ी कार्रवाई अपने आप में, और ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि संभवतः ऐसा पहली बार है कि जब मिल्क कंटेनर जो है जिसमें दूध लाया था उस मिल्क कंटेनर में इस तरह से शराब की पेटियों को लाया गया। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।